क्या मॉल बन रहा है, किसके किसको विधायक बनवा रहे हैं? मॉल बहुत बढ़िया है, अशोक चांडक जी, करुणा चांडक जी। लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी के लिए देना चाहूंगा मैं तो। देखिए स्पष्ट डालते हम कांग्रेस डालते शुरू से, कांग्रेस पे डालते शुरू से। जो एक समाज हित में लहर चली है उसका असर रहेगा। देखो हमारी हिसाब से तो बयानी जी को बनना चाहिए, बाकी अब जनता की अपील है। मैं साफ छवि वाले को वोट दे के आ रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 13, मेरा नाम है अमृतपाल। आज वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। मैंने भी अपना वोट डाल दिया है और अब लोग वोट पोलिंग करना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं रोडवंश पब्लिक स्कूल में के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे लोग वोट पोल कर रहे हैं, तो जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। देख सकते हैं कि एक पुलिस कर्मचारी बिठाए हुए हैं और जो वोट डाल के आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या किस मुद्दों पे वोट डाला है, किन क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वोट डाल के आ रहे हैं लोग। तो कोशिश करते हैं कि बात जानने की कोशिश करते हैं। उन त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है अभी तो फिलहाल, और कांग्रेस के अंकुर मिगलानी, बीजेपी के जयदीप बिहानी और करुणा अशोक चांडक के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो अभी बात करते हैं लोगों से, जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, वोटर से ही बात करेंगे। सर वोट डाला है? एक बार वीडियो में दिखा दीजिए अपनी उंगली, निशान वाली उंगली दिखा दीजिए। ये लो जी। क्या मुद्दों पे वोट डाला है, किस मुद्दे को सोच के वोट डाला है? सरकार बनानी है, मुद्दा वो होता है जी। मुद्दा क्या होता है? सरकार अपनी पसंद की हो। अपनी पसंद की। क्या किसको विधायक बनवा रहे हैं? देखो जी ये तो वोट किसको दिया है ये तो मैंने, ये तो आपके ऊपर है। बस मुद्दा आपने का सरकार बनवानी है। सरकार तो देखो सर ये कोई चाइना नहीं है कि भी एक ही सरकार है। सही बात है, ये तो इंडिया है। इंडिया का सरकार तो जनता के ऊपर है। कौन सी बना, किसकी सरकार बनवा रहे हो? देखो जी सरकार तो राज्य में तो मैं नहीं कह सकता। बीजेपी के अंदर मोदी जी का पक्का मैं कह सकता। मोदी जी क्या यहाँ पे भी प्रभाव पड़ रहा है मोदी जी का? हाँ, प्रभाव क्यों नहीं है मोदी जी का? मोदी जी का जादू चल रहा है, थोड़ा सा आ गया, इशारों में बात हो रही है। मोदी जी का जादू चल रहा है। मोदी जी तो कैसी व्यवस्था, कैसी सही लगी? ऐसा नहीं है, कर्म योगी भी है। ऐसे कल्ले मोदी जी ऐसे नहीं चल रहे, कर्म योगी भी है। कर्म योगी भी है। कर्म योगी किसको बोल रहे हैं आप? कर्म काम किया है उन्होंने। आप देखो धारा 370 खत्म कराना कोई आसान बात? सही बात है। हो सकता है क्या? जो पहले जैसे क्राइम होता था वो तो अब है ही नहीं कश्मीर में। रोज अपने जवान मरते थे, रोज जनता मरती थी, रोज उग्रवादी होते थे। थोड़ा बहुत तो कोई ऐसा रोक ही नहीं सकता, लेकिन वो चीज नहीं है कि भी आए और ठोक के चले, ऐसा कुछ नहीं। ये मोदी जी के आप प्रशंसक दिख रहे हैं? नहीं देखो आप शहर में मोदी जी के नाम पे वोट डल रहे हैं? ऐसा नहीं है, मोदी जी कोई मोर है, ऐसी नहीं है। उन्होंने कर्म किया है भैया, कर्म के नाम पे वोट। आप देखो आप क्या सारी जनता ही देख रही है कि कर्म तो किया ही है उन्होंने, धारा 370 खत्म किया है, चाहे कुछ भी किया है उन्होंने, हर जगह आपको दिखेगा भी इंडिया 370 का इम्पैक्ट दिखा, और भी बहुत काम ऐसी बात है। तो देखिए मोदी जी के समर्थन में लोग हैं, तो आपने वोट डाला, माहौल कैसा अंदर, सही है सब कुछ? हाँ आराम से वोट डल गया, बिल्कुल शांति। दिक्कत आई? कोई वो नहीं है, दिक्कत शांति से चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप वोट डालो, आराम से वोट डालो, आराम से जाओ, आराम से, यही होना चाहिए, लोकतंत्र ही है मेन। आप वोट डाला है सर? सर से बात कर लेते हैं, एक बार उंगली दिखा दीजिए। ये देखिए उंगली दिखा रहे हैं। क्या माहौल बन रहा है, किसके किसको विधायक बनवा रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है, अशोक चांडक जी, करुणा चांडक जी। करुणा चांडक जी निकल जाएंगे पूरे बढ़िया तरीके से। यहीं पे वोट डाला आपने? हाँ जी यहीं डाला। कहाँ रहते हो आप? पीछे 4 नंबर सेक्टर में। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन जी बढ़िया पोलिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है? ये हमारे यहाँ के प्रधान साहब हैं। प्रधान साहब आपने वोट डाल दिया? जी भाई साहब। आप भी चांडक साहब की तरफ? बिल्कुल चांडक जी के साथ है जी। आपकी ड्यूटी लगी है या फिर आप बस वोट डाल ले आए हैं? चांडक जी के वर्कर है जी। और तो अभी वोटर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर जो वोट डाल के, आपके भी यहीं पे वोट था? बिल्कुल यहीं था वैसा, मैं यहाँ का पूरा पार्षद हूँ। पार्षद जी। क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, शांति प्रिय माहौल है, बहुत अच्छी वोटिंग। तो देख सकते हैं कि लोगों से बातचीत करते हैं, तो अभी क्या होता है धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो निकल के बात करते हैं क्या माहौल चल रहा है। थोड़ा सा मैं कहूँगा आगे आ जाइए, कार्यकर्ताओं से परहेज कर रहे हैं बात करने से। वोट डाला है पाजी? हाथ दिखा दो एक बार।
यही लोकतंत्र की पावर है। बिल्कुल है जी। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो आपको पता है जी। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। खारे छुप छुप के बता दिए, क्या 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 माहौल चल रहा है? माहौल तो करुणा चांडक जी का है जी। हाँ जी, हाँ जी, पक्का पक्का है। जिता रहे हैं करुणा? बिल्कुल जिता रहे हैं। आप यहीं रहते हैं जवाहर नगर में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम युद्धवीर सिंह पवार है। बढ़िया वोट डल गया? पूरा पूरा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आसानी से वोट डल रहे हैं? या ये बताइए, करुणा चांडक को क्यों वोट डाला आपने? उनका विकास बहुत है, हमारे मोहल्ले में बहुत काम कराए हैं और भी शहर में काफी काम करवाए हैं। अशोक मुचराल जी पार्षद आपके? नहीं, हमारे प्रियंक जो है, प्रियंक भाटी। ठीक है जी। उन्होंने भी, प्रियंक भाटी ने भी बहुत अच्छे काम करवाए हैं, पर वो हुए तो करुणा चांडक जी के थ्रू ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो करुणा चांडक। हाँ, बाकी और भी हमारे काफी समस्या थी सफाई से रिलेटेड, तो वो काफी समस्या सुलझवाई है हमारी। हाँ बिल्कुल, वोट डाला है। देखिए, आप भी डाला है वोट? दिखाइए, उंगली दिखाइए। देखिए, अरे ये देखिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम सुभाष चंद्र जी छिंपा। यहीं पे डाला वोट? मैंने वार्ड नंबर 28 के अंदर वोट डाला था। क्या मुद्दे रहे? मुद्दा वहाँ का तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 28 के अंदर, गली नंबर 5 के अंदर कुछ विकास हुआ था, कुछ विकास अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि आपका विकास होगा। कब होगा? जब नई सरकार आएगी, जब 5 साल पीछे हो जाएंगे, जब अपनी सरकार आएगी। लेकिन उन्होंने कहते कि हो जाएगा। होने का क्या मतलब? नई सरकार आती है जाती है। उन्होंने 4 गलियों का बजट पेश किया था, 4 गली पास की थी। उन्होंने सिर्फ 1 गली बनाई है नाली, उन्होंने नाली का विकास हुआ। मतलब आपने कांग्रेस को डाल दिया वोट? हाँ जी। और ना हमारी यहाँ की जो तारे हैं, जाके देखो, तारे भी नीचे लमक रही है। हमने वार्ड पार्षद से भी बात किया था, वो कहता ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम। चलो ठीक है, कांग्रेस को वोट। हम चाहते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। उन्होंने बहुत बढ़िया काम। हाँ जी, हाँ जी, आपने कांग्रेस को वोट डाला। क्या नाम है सर आपका? सर दीपक। दीपक जी पहला वोट है? हाँ जी सर, फर्स्ट वोट है। उंगली दिखा दीजिए, पहला वोट दीपक जी का, पहला वोट। हाँ जी सर। क्या माहौल चल रहा है? सर माहौल तो सर ठीक ही है अंदर, सर बढ़िया माहौल है, फर्स्ट टाइम है। किसको विधायक बनवा रहे हैं सर? देखते हैं कौन बनता है। क्या मुद्दे रहे, क्या सोच के वोट डाला सर? बस सफाई बार के कहने पे वोट डाल दिया क्या? खुद नहीं, भी सोचा? नहीं, खुद के सोचने पे लगाया है। क्या मुद्दे रहे? मुद्दे का बस सफाई वगैरह होनी चाहिए, बस सफाई। हाँ, क्लीनिनेस रहनी चाहिए। हाँ, आपकी पूरी फैमिली आई है वोट? हाँ जी सर, वो कितने जाने हैं आप? सर मैं तीन चार जने हैं हम। हाँ जी सर। आप भी? आप? हाँ जी, हाँ जी, ये मेन गेट है। अच्छा, आप वोट डालने आए हैं? तो आपसे बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? वीना रानी। वीना रानी जी, क्या मुद्दों को सोच के वोट डाल रहे हैं आप? डालते हैं हम कांग्रेस, डालते शुरू से। कांग्रेस को डालते हैं शुरू से? शुरू से। क्यों कांग्रेस को? क्यों? बस शुरू से। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? एडवोकेट, हस्बैंड मैं फ्री हूँ। आप हाउसवाइफ हैं? आपने, आपके हस्बैंड साहब भी कांग्रेस को डाले? हाँ हाँ, वो भी कांग्रेस। मेरा हमेशा वोटर्स हैं आप कांग्रेस? हमेशा। शुरू से ही? शुरू से, माइके ससुराल सब सब कांग्रेस। सब कांग्रेस। तो देखिए सर, आपने डाल दिया वोट? दिखाइए उंगली, दिखाइए, एक चेक करना पड़ता है। सही बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा जगदीश। जगदीश जी, यहीं पे वोट डाला है? हाँ, यहीं पे। क्या माहौल चल रहा है अंदर? अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। आराम से वोट डाला है? हाँ। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी को। किसको विधायक बनवा रहे? विधायक तो जो कांग्रेस का यार, कांग्रेस का मन है आपको विधायक? देख सकते हैं कि कांग्रेस के समर्थन में आप दिखे। शुरू से वोट अपना, जब से 84 से। अच्छा जी, शुरू से। देख सकते हैं लोग बोल करके आ रहे हैं, सर वोट डाल दिया। दिखा दीजिए, बात कर लीजिए थोड़ी सी, हाथ दिखा दीजिए अपना निशान वाला। देखिए, यही तो लोकतंत्र है। हाँ जी। क्या बढ़िया वोट डाला है, कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आराम से डाल। हाँ जी। क्या नाम है सर? ओम प्रकाश मिड्डा। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो अब देखो जी, हम तो बाएं अभी पर्याप्त, लेकिन पोलिंग अच्छी हो रही है। किसको विधायक बनवा रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा जी, अपने भी नहीं बता सकते। साइलेंट वोटर कहते हैं आप? बिल्कुल। क्या मुद्दे क्या रहे, किस मुद्दों को सोच के वोट डाला? मुद्दा क्या, शहर का सुधार होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। और क्या चाहिए, शहर में अच्छा माहौल हो, बस यही चीज होनी चाहिए। बस अच्छा माहौल हो, अराजकता मुक्त माहौल हो। आप भी डाला है मैम वोट? डाला है। देखिए लोग वोट डाल के आ रहे हैं, बहुत ये एक खुशी की बात है कि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है गंगानगर का। अभी तो लोग आ रहे हैं दिन में, और कोशिश करेंगे, बात करेंगे लोगों से, जानते हैं क्या माहौल चल रहा है। अभी अरोड़वन स्कूल के
यहाँ पे कितने वार्डों का है ये? एक ही वार्ड का है। तो देखिए रोड में स्कूल, तो कोशिश करते हैं जो लोग आए उनसे बात करें, वोटिंग डाल के जो आ रहे हैं कोशिश करते हैं उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे क्या माहौल चल रहा है। डाला है सर वोट, क्या नाम है सर? अभिषेक जी बात कर लीजिए, कहाँ जा रहे हैं, दिखा दीजिए निशान। क्या क्या बढ़िया वोट डाल गया, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। किस क्या मुद्दे रहे वोट डालने के? कैसे क्या सोच के वोट डाला आपने? वोट तो सर पार्टी को लेकर। किसके किसको बना रहे विधायक? तो जब बनेगा बताएंगे नहीं, आपने भी डाल लिया मैम? हाँ जी। क्या मैम क्या मुद्दे रहे आपके लिए, क्या मुद्दे रहे? सर सोच के तो यही डालते हैं कि अगला जो MLA आएगा गंगानगर का लिए अच्छा काम करवाएगा, हम पब्लिक को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। आप किसको बना रहे हैं विधायक? पार्टी वाले जीतेगा। हाँ जी पक्का कॉन्फिडेंस है। आप निर्दलीय को नहीं डाला, पार्टी को डाला? हाँ जी बिल्कुल पार्टी को डाला है। तो देखिए ये संकेत देते हैं लोग, बताएंगे नहीं, एक साइलेंट वोटर की पहचान है गंगानगर। तो कह रहे निर्दलीय भी एक पार्टी होती है, तीनों का ही नाम ले दिया इन्होंने। तो कोशिश करते हैं और लोगों से बातचीत करें और लोगों से जाने और जानते हैं क्या माहौल चल रहा है। सर वोट डाला है आप? अच्छा डाला नहीं आपने? अच्छा अच्छा क्या माहौल चल रहा है अंदर, सही है सब कुछ? माहौल बढ़िया जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया माहौल है। अब तो बनने के ऊपर है, आगे क्या मैनेजमेंट करते हैं। सही बात है। विशेष मुद्दे क्या रह रहे हैं, किसको देख के आप वोट डाल रहे हैं? हम तो ये कहते हैं सफाई और मतलब की मेंटेनेंस, चोरी जो लड़कियां हैं और है सेफ, जनता मुक्त गंगानगर। हाँ जनता मुक्त गंगानगर, लड़कियां सेफ रहे, सब गंगानगर सेफ रहे। किसके पक्ष में जा रहा है मॉल? मॉल बराबर है जी, तीनों का बराबर है, अभी कुछ नहीं कह सकते, सब कैंडिडेट अपने अंदर है, जब पिटारा खुले तभी है। आप किसको बना रहे हैं विधायक? मैं तो कहता हूँ जो काम करे वो हमारा विधायक है। साइलेंट वोटर है आप? हाँ चुपचाप डाल के वोट डालेंगे, जो काम करे वो हमारा है। इनका भी वोट है? इनका भी वोट है साहब, तो ही लेके आया हूँ, आज से बनाएंगे इनको। सही बात है, इनको भी पता होना चाहिए क्या चल रहा है शहर में। हाँ जी हाँ जी सही बात है। तो अभी आप वोट डालेंगे, वो लंच ब्रेक हो चुका है? हाँ लंच ब्रेक है साहब। तो अभी लंच ब्रेक हो चुका है, लोगों से अभी जब लंच ब्रेक के बाद बात करेंगे, जानते हैं क्या आप सोचते हैं लोग। महादेव मिर्दा नाम है साहब, क्या बढ़िया मॉल चल रहा है अंदर? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत आई वोट डालने? कोई दिक्कत नहीं, आराम से डाला। सर ये बताइए किसका मॉल चल रहा है? तीनों का ही बराबर है, तीन कैंडिडेट हैं कंटेस्ट तीनों में। मुद्दे क्या है, विशेष मुद्दे किस मुद्दे को देख के वोट डाल रहे हैं? मुद्दे तो शहर के हित में जो काम करे उसी के लिए डालेंगे। कौन लगता है कौन करेगा शहर के हित में? अब ये तो ओपन करने वाली बात है फिर। साइलेंट वोटर है, चुपचाप वोट डालेंगे ना। आपकी पावर है जी, सर्वे में नहीं आते पर जिता देते हैं आप कैंडिडेट। जो जीतेगा उसी को डाला है, हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा, हमारा ही जीतेगा। अब आप बता भी नहीं रहे कौन है जीतेगा भी आपका। चलो ये बताओ पार्टी को डाला है कि निर्दलीय डाला है? नहीं पार्टी डाला है। तो एक ये इससे पता चल रहा है कि मतलब चलो निर्दलीय को डाला है, निर्दलीय की तो कम रहने के चांस है, बाकी देखो। सरकार किसके बन रही राज्य में? सरकार तो फलौदी सट्टा बाजार तो बीजेपी की दिखा रहा है। आप किसके दिखा रहे हैं? देखो बिल्कुल नहीं बताएंगे, चुपचाप आप बिल्कुल साइलेंट वोटर है ना, पूरी बातों को गोल मटोल करना आता है। अब की बार क्या है कि थोड़ा सेंट दे दीजिए, हमारे शहर में जो एक समाज हित में लहर चली है उसका असर रहेगा। समाज हित में लहर, एक आगे आपने बहुत बढ़िया संकेत दे दिया है, लोगों को समझ आ जाएगा, उसका जो है असर रहेगा शायद, मतलब उनके पक्ष में वोट जाएंगे, समाज के नाम पे वोट है। तो ये देखिए अब आप समझ ही गए हैं समाज किसके समाज की बात कर रहे हैं, ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, तो एक समाज हित में लहर तो आप सोच ही सकते हैं। वोट डाला है सर? वोट डाला है सर? दिखा दीजिए उंगली एक बार कैमरे को, क्या नाम है सर आपका? हितेश गर्ग जी। कैसा वोटिंग सही चल रही है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई आराम से डाला है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा ही है, शांतिपूर्ण है, और क्या माहौल चाहिए? किसको विधायक बना रहे हैं? देखो हमारी हिसाब से तो बयानी जी को बनना चाहिए, बाकी अब जनता की इच्छा है। बिल्कुल बीजेपी के विकास के नाम पे? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के साथ हैं हम हमेशा। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो मिल रहे हैं हमें, यही माहौल चलता है, कोई समाज के नाम पे। कोई आपने भी डाल दिया सर वोट? देखिए क्या नाम है सर आपका? महेंद्र गुप्ता। यहीं पे डाला वोट? यहीं पे। क्या अच्छा मॉल चल रहा है? मॉल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या मुद्दे क्या रहे हैं, किस मुद्दे को देख कर? अभी कोई पता नहीं चलेगा जी,
नहीं, आपने वोट डाला किस, क्या मुद्दे सोच के वोट डाला? सोच के डाला होगा वोट की सरकार आनी चाहिए। सरकार आनी चाहिए किसकी? बीजेपी की। बीजेपी तो बयानी जी के पक्ष में बोल चल रहा है, चुपचाप बता के। हम तो बीजेपी के पक्ष में, ऐसे बहुत वोट होंगे ना जो बीजेपी के पक्ष में होंगे, तो चुपचाप बता के, आप चुपचे से बता दिया ना। तो बीजेपी के पक्ष में माहौल है। मैम डाल दिया वोट आपने? एक बार दिखा दीजिए उंगली अपनी जहाँ पे निशान लगा है। क्या मैम, क्या विशेष मुद्दे क्या रहे, किसको देख के वोट डाला? काम को। काम को। किसको विधायक बनवा रहे हैं? कांग्रेस को, क्योंकि ना कांग्रेस बहुत कुछ किया है कांग्रेस ने राजस्थान में। राजस्थान गलो सरकार की, आप जो गलो सरकार वापसी आ सकती है? आनी तो चाहिए, अगर लोग बहुत सोच के देना हर चीज को, सर्वे करें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उस हिसाब से तो बेस्ट यही सरकार कांग्रेस ही रहे। यस, देखिए, थैंक यू मैम। हमारे पार्क जनहित वाटिका है, हमने, मैंने देखा है अभी गौड साहब आए थे, 15 दिन में ही उन्होंने इतना कुछ बना दिया ना, हम लोग बढ़िया वहाँ पे एंजॉय करते हैं। गौड साहब का कार्यकाल अच्छा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वापिस आप फिर इसलिए कांग्रेस? इतना बढ़िया कर दिया पार्क को उन्होंने, छत बना दी, विंटर में लेडीज को दिक्कत आती है सुबह मॉर्निंग में जब वॉक करते हैं, बैठते हैं, योगा करते हैं, वो सब कुछ बहुत कुछ मैनेज किया अच्छे से। वोट डल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ कुछ शांति शांति प्रिय हो रहा है। हाँ। तो थैंक यू मैम, आपने बात की, तो देख सकते हैं कि कांग्रेस के समर्थन में भी लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या सोचते हैं लोग, किसकी सरकार, किसका कौन विधायक। यही दिन है, ये वीडियो आप 3-4 साल बाद भी देखेंगे तो यही पोलिंग याद आएगी कि इन्हीं वोट के करके आपका विधायक बना है। तो जानते हैं, लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मनजीत कौर। मनजीत कौर जी, अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है या आराम से वोट डाले? कोई दिक्कत, आराम से। ये बताइए मैम, क्या आराम से हुआ? क्या विशेष मुद्दे रहे हैं, क्या सोच के वोट डाला? अच्छी सरकार आए, वो अच्छे आए जो कुछ काम करे शहर के लिए। तो ये बताइए किसको विधायक बनवा रहे हैं? अब देखते हैं जो बनेगा इसका क्या कहें। राज्य में किसकी सरकार देख रहे हैं? राज्य में किसकी सरकार देख रहे हैं? किस में? स्टेट में। स्टेट में देखो कौन सी आती है अब, कांग्रेस आए। कांग्रेस का दिख रहा है माहौल, कांग्रेस का। हाँ, तो थोड़ा सा आगे होके बात करते हैं, कोशिश करते हैं। तो प्रशासन कह रहा है थोड़ा सा आगे हो जाइए, तो जानते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। महिलाएं वोट डाल रही हैं, गलोत साहब का कार्यकाल की वजह से भी वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ रहा है। सोचने वाली बात है कि गलोत सरकार की योजनाओं करके भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग परसेंटेज ये है, जो कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा बढ़ा है, ये मुझे अभी यहाँ पे देखने को मिला है। ये नहीं कह सकते कि अंकुर मिगलानी तीसरे नंबर पर हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो दिख रहा है कांग्रेस के पक्ष में भी लोग डाल रहे हैं आगे वोट, क्योंकि गलोत साहब की जो योजनाएँ हैं उसको करके लोग कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करें, थोड़ा सा जाने क्या माहौल चल रहा है। अरोड़वंश स्कूल के सामने हम खड़े हैं, और अरोड़वंश स्कूल जवाहर नगर के एरिया में आ रहा है, और जवाहर नगर में वोट पोलिंग हो रही है। मेन बूथ पे जाके कोशिश करेंगे कि बात करें लोगों से कि क्या माहौल चल रहा है। सर वोट डालने हैं सर? क्या नाम है सर आपका? दिवीजा। क्या सोच के वोट डालेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने? हम चाहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा चले, काम शहर का काम होना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है, अच्छा आदमी आए, पढ़ा लिखा हो, शहर का काम हो। कौन करवा सकता है शहर का काम? ये तो आने के बाद पता लगेगा। बताते नहीं है, बताएंगे नहीं। देखो ये ऐसा तो किसी मुंह पे लिखा नहीं है, करेगा वोट करेगा, आने वाप अमर बढ़ेगा, कांग्रेस का क्या क्या काम कर रहा है कि अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है जो शहर का विकास करें। ये तीनों पढ़े लिखे हैं, यही तो तीनों ही पढ़े लिखे। हाँ, तीनों पढ़े लिखे हैं और तीनों अच्छे आदमी हैं, तीनों अच्छे आदमी। हाँ, कोई ऐसा नहीं है, सब पार्टियां हमारी हैं। सही बात है, वोट हमारा अधिकार है, वोट आपका अधिकार है, कर्तव्य है आपका, आपको डालना है, ड्यूटी है आपकी। बिल्कुल, सब पार्टी अपनी है, सब पार्टियां। तो यही साइलेंट वोट है जो डलते हैं। भाई साहब से बात कर लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक सेती है। वोट डाल दिया आपने? नहीं, वोट अभी डालने जाऊंगा, लाइन लंबी है। लाइन लंबी है मतलब वोट डल रहे हैं, लोग डाल रहे हैं। अंदर 70% पोलिंग होगी। अच्छा, होगी। ये बताइए कि कोई क्या विशेष मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को देख के आप वोट डालेंगे?
मैं गंगानगर के डेवलपमेंट को देख के वोट डालूंगा। गंगानगर में जो पेंडिंग अभी प्रोजेक्ट पड़े हैं, जैसे सीवरेज का पड़ा है, सचिवालय का पड़ा है, 24 घंटे पानी आने वाली वो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट पड़ा है, ये प्रोजेक्ट जो पूरे कर रहा है, जो अच्छा कैंडिडेट आए उसके लिए, उसको देख के ही। किसको विधायक बनवा रहे हैं? विधायक तो मेरे बनाने से तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ जो अच्छा है उसको बना देंगे। तो हिंट दे दीजिए, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, किसका मन है? मेरा किसका मन है? मैं साफ छवि वाले को वोट दे के आ रहा हूँ। साफ छवि, अब आप समझ जाइए साफ छवि किसकी है। आपका आपका भी डल गया सर वोट? डल गया। क्या नाम है सर आपका? अश्विनी। यहीं पे डाला है आपने वोट? यहीं डाला है। क्या विशेष मुद्दे रहे वोट, किस पक्ष में डाला है? देखो ऐसे आदमी को देना चाहिए जिससे देखो कैंडिडेट हो जो लोगों का भला कर सके, मतलब जो सिर्फ रुपए इकट्ठे करने में नहीं लगा हो, और जो जिसके साथ में अच्छी पार्टी भी जुड़ी हो, जिससे स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी फंड उसको गंगानगर को मिल सके, उसके लिए मैं वोट करना चाहूँगा। मतलब पार्टी के नाम पर वोट देंगे? पार्टी के नाम पर देंगे, उम्मीदवार के नाम पर देंगे। ये बताइए पार्टी तो दो है, राज्य में किसकी सरकार देख रहे हैं? राज्य में देखो जो उम्मीद, इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया साफ छवि, आप भी थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। बीजेपी के लिए देना चाहूंगा मैं तो। देखिए स्पष्ट बीजेपी, बीजेपी को जिता, बीजेपी का स्पष्ट बहुमत आ रहा है, तो देखो उसी की सरकार लानी चाहिए, क्योंकि आज हम कोई ऐसा निर्दलीय या किसी को बना दें जिसका आगे बाद में यही सुनने को मिले कि मेरी तो चल रहे कोनी, तो फिर उसको देने का बेनिफिट क्या हुआ? बाकी जो आप भैरव सिंह जी को अपने हराया था, उसके बाद गंगानगर भुगत रहा है उस चीज को, भुगत रहा है, अभी तक भुगत रहा है, भुगत रहा है, तो आज जो सुधारने का मौका है तो हमें सुधारनी चाहिए अपनी बात। बीजेपी का आपका मन है, थैंक यू। अंदर अंदर माहौल कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत। वोट डाल के आए? अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? कृष्णा, कृष्णा कृष्णा जी। ये बताइए आप कितने साल की हैं? 60 साल की हैं। आप मतलब कि वोट डालने आए हैं? ये बताइए क्या मुद्दे रहे, किसको सोच के वोट डाला आपने? डाल दिया जिसने डालना था। किसको बना रहे हैं विधायक? बिल्कुल ही चुप हो गए। मैं कह रहा हूँ किसको बना रहे हैं विधायक, बिल्कुल ही चुप हो गए। हमने कोई नाम बताइए सर? निर्दलीय को वोट नहीं डाला है। निर्दलीय को डाला? थोड़ा सा संकेत दे दीजिए किसको डाला? संकेत नहीं दे सकते, पार्टी को डाला है। पार्टी को डाला है, किसी भी पार्टी को डाला है। समाज के नाम पे वोट गया क्या? विकास के नाम? समाज कोई नहीं है, विकास के नाम पे। हाँ विकास के नाम पे। देखिए आप समझिए, यही इशारों इशारों में बात होती है। मैम आपने भी, आप फैमिली हो सारे, आपने डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। नो वोट थे, नो के नो वोट मैंने भुगताए जी। नौ के नौ वोट आराम से डल गए, आराम से डल। जैसे अब ये थोड़े बुजुर्ग हैं, तो इनको लाने की कोई व्यवस्था की है? ये तो घर के पास से कोई ऑटो मिल गया था, उसी से आए। मतलब खुद ही लेके आए? हाँ जी जी, अब वही ऑटो से वापस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तरुण सिंह है। वोट डाला है? बिल्कुल डाला है। आराम से डल गया वो? बहुत आराम से, बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था अंदर, वोट बढ़िया आराम से डाला है। ये बताइए क्या क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को सोच के वोट डाला? मैं गंगानगर के विकास को सोच के मैंने वोट डाला है, ताकि हम गंगानगर में रहते हैं, किसी को ये कहें हम गंगानगर में रहते हैं और इतनी स्मार्ट सिटी हो भी अपने आप पे हमको खुशी हो, और जिसको कहें हम गंगानगर में रहते हैं तो वो देख के सिटी को कहे भी वाकई ये बहुत अच्छी जगह है, ये सोच के दिया मैंने। ये बताइए किसकी सरकार बन रही है ऊपर? ऊपर सरकार देखो, ऊपर बिल्कुल ऊपर सरकार की बात करें तो आज लहर बीजेपी की है, तो सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, लेकिन जो फेर बदल चल रहे हैं उसके हिसाब से अभी कुछ भी कुछ भी नहीं कहना मुश्किल। नीचे किसकी लहर चल रही है? नीचे दोनों में कोई नहीं है, अगर मेन अपने पार्टियों की बात करें जिसमें बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों में नहीं है, दोनों में अभी कोई नहीं है। ये देखिए ये संकेत ही है जो माहौल पलटाते हैं, मतलब निर्दलीय आ रहा है आगे। निर्दलीय बिल्कुल आगे आ रहा है, इस बारी सरकार बनाने में दोनों पार्टियों को जोर आएगा, निर्दलीय हावी रहेंगे, क्योंकि कहीं टिकट देने में पार्टियों ने या किसी को पिछली बार मिली तो उनको मेरे हिसाब से इस बार बागी नहीं होना चाहिए था, यह सबसे बड़ी गलती है पार्टियों की, बड़ी शर्म की बात है। अगर किसी को टिकट मिली पार्टी की तरफ से और वो नहीं जीत पाया और दूसरी बार वो पार्टी का समर्थक बनने की बजाय आजाद उम्मीदवार खड़ा हुआ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा पुराना आप हिसाब लगाने लग गए, अब आप ये कह रहे हैं इस बार निर्दलीय का अच्छी लहर है? निर्दलीय की बिल्कुल अच्छी लहर है जी इस बार, और गंगानगर में अगर पार्टी की भी बात करें तो
तो पार्टी या इस बार गंगानगर के लोगों को पार्टी ना देके कैंडिडेट देखना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल अरोड़वन स्कूल में, स्कूल के सामने जो बूथ है वहाँ खड़े थे। अभी हमने अरोड़वन स्कूल की रिपोर्टिंग की, अब हम जाते हैं कोई और बूथ पे, आपको दिखाते हैं। तो अगली वीडियो में भी आप ऐसे बने रहिए, स्क्रॉल कीजिए, ऊपर जो वीडियो आएगी ये इसकी अगली वीडियो है, जो अगले जो बूथ है उसके हम कवर करेंगे। कैमरामैन आकाश दीप के साथ अमृत पाल, द न्यूज़ 13।